आज मैं बात करता हूँ 2000 के नोट जो बैन हुए हैं, कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। एक भाई है मेरे, आज ट्रेन में मैं उनसे सफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने अपना दर्द मुझे बयान किया कि 2000 रुपए की नोट कहीं भी किसी ने नहीं लिया और किस प्रकार से वो बिहार जा रहे हैं और मेरे बगल में बैठे हैं और मुझे बताएंगे कि किस प्रकार से 2000 की नोटें ना कोई लेने की वजह से कितना दिक्कत उठानी पड़ेगी। भाई साहब, पहली बात तो 2000 की नोट जो बंद हो रहे हैं बहुत ही गलत हो रहे हैं, और इस चीज़ में तो बड़े बंदे हैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। हमारे जैसे मजदूर आदमी तो भाई जीना ही मवाल हो गया। 1-2 हज़ार का नोट था और हमने गया भाई लाइन में लगने बैंक, और वहाँ भी चेंजिंग नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि बड़े बड़े आदमी सुना जाता है। छोटे मोटे 2000 वाले के तो भाई आ जाना कल आना, और मैंने अगल बगल यार दोस्त से मैंने पैसे लेके भाई गाँव की तैयारी किया हूँ, और हमारे साथ ये भाई था और भाई ने हमारे दिल की मजबूरी समझने की कोशिश की, और हम बता रहे हैं बहुत ही बुरा हाल है। 2000 नोट बंद तो नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो खैर अब इस चीज़ में क्या कह सकते, जो गवर्नमेंट की इच्छा है कि नहीं है। आप वैसे काम क्या करते हैं और किस हिसाब से आप घर जा रहे हैं, कितनी मजबूरी का सामना उठाना पड़ रहा है और किस प्रकार से आप पैसे जुटा के घर चलाते हैं? पहली बात तो भाई साहब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं काम छोले भटूरे करता था बाजार लाइन में, ठीक ना, दिल्ली में, और वहाँ पे क्या कह रहे हैं पैसे उसे था, पैसे दिया 2000 की नोट। भाई साहब 2000 की नोट लेके मैं इधर भग रहा हूँ उधर भग रहा हूँ, कहीं नहीं चल रहा है। कह रहा भाई बंद है बंद है बंद है। अब बताओ हमारे जैसे एक मजदूर आदमी जिनके पास मतलब 2 नोट है 2000 की, 4 नोट है, मान लो हम कहाँ जाएँ, बताइए आप लोग बताइए कहाँ जाए, बताइए। गवर्नमेंट तो अब उसको जो मन में आता हो तो कह देते हैं कर देते हैं, और पहले गरीब आदमी सुने ना, गरीब आदमी क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, ये सब चीज़ समझना चाहिए गवर्नमेंट को, है कि नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी दर्द आपको समझ रहा हूँ, इस भाई का मैंने दर्द समझा और किस प्रकार से समस्या उठानी पड़ रही है। भाई आप लोग धैर्य रखें क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस भाई का दर्द आज मुझे दर्द समझ में आया कि जो लोग मेहनत मजूरी करते हैं उन्हें पैसे इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो इस चीज़ को समझें। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं, मुझे कमेंट पे बताएं किसको किसको क्या समस्याएं उठानी पड़ रही। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।